टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। हॉकी टीम के खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह ने भारत का झंडा किया बुलंद। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत का झंडा बुलंद करने के बाद अब सिमरनजीत सिंह सोमवार को वहां से वापस दिल्ली लौट रहा है। गुरुवार को देर रात तक उसके पैतृक गांव मझारा फार्म पर जश्न चलता रहा। ढोल की थाप पर लोग भांगड़ा करते रहे। उधर केंद्र सरकार की ओर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने पर खिलाड़ियों ने खुशी जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक के हीरो सिमरनजीत सिंह ने अपने परिवार को जानकारी दी है कि वो सोमवार को टीम के साथ दिल्ली लौट रहा है। सिमरनजीत के पिता इकबाल सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल बेटे के घर आने का कार्यक्रम तय नहीं है। टीम के साथ दिल्ली लौटने के बाद अन्य कार्यक्रमों में खिलाड़ियों की व्यस्तता रहेगी। उधर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने मझारा फार्म पर सिमरनजीत के घर पहुंचकर उसके माता पिता से मिलकर टोक्यो में शानदार जीत की बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल ग्लोबल बुलेटिन 24 के साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।